हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं इको पार्क। सारे बहुत अच्छा पार्क है, तो रास्ते में हम और देखते हैं कैसा कैसा लगता है हमको इको पार्क। गाइस, हम लोग इको पार्क आ गए। लेट मी शो यू। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, और जो भी हो रहा है बोल रहे नहीं, बोलना क्या बोल रहा है, इस पे बहस नहीं होती तेरे से। सर कंप्लीट व्हाट यू कैन से पिकनिक स्पॉट, फैमिली पिकनिक स्पॉट। सी यहाँ पे एक और टिकट काउंटर से मैंने आपको दिखाया, पहली टिकट 30 रुपीज़ की थी, और ये फिर से सेवन वंडर्स की टिकट 30 की है। टोटल 60 रुपीज़ यू हैव टू पे। सो लेट्स टेक द टिकट और सेवन वंडर्स देखते हैं। यहाँ से सेवन वंडर्स की एंट्री है। दीज आर द सेवन वंडर्स वी हैव। दीज आर द थ्री पिरामिड्स ऑफ Egypt, the first wonder. और हम लोग जा रहे हैं पेट्रा जॉर्डन के अंदर, जॉर्डन सिटी के अंदर। वाह, देखा, इंडिया में बैठे-बैठे हम जॉर्डन घूम के आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। फिर कहाँ जा रहे हैं हम? क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, बहुत सुंदर स्टैचू है, जो कि सब जानते हैं, ऑब्वियसली जीसस का एक कोलोसल स्टैचू है। सो लेट्स सी इट। इसके बाद की चीज़ गाइस सब जानते होंगे, हमारे देश की शान, एक अजूबा जो हमारे देश में है, ताजमहल। यहाँ पे आगरा को छोड़ के कोलकाता आ गया ताजमहल, तो देखते हैं कैसा है कोलकाता का ताजमहल। ये है हमारे कोलकाता का ताजमहल। तो गाइस अब हम चल रहे हैं ऐसी जगह जो पता नहीं हम कभी जाएंगे कि नहीं, चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखते हैं कैसी है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो गाइस 6 मॉन्यूमेंट्स हो चुके हैं, अब एक ही बचा है कोलोसम ऑफ रोम। वील सी दैट, और फिर इसके साथ देखते हैं आगे क्या करना है। I'm looking good today. एकदम funky funky look. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस सेवन वंडर्स तो हो गए, अब हम लोग बाहर जाएंगे क्योंकि बड़े पापा ना बाहर हम सबका इंतजार कर रहे हैं, वो आए नहीं थे। ही वॉज गेटिंग बोर्ड कि क्या ही मैं जाऊँ, तो हम उनके पास चलते हैं, पानी पीते हैं, प्यास लग रही है बहुत तेज। लेट्स गो। A few minutes later. साइकिल, फिर हम साइकिलिंग करेंगे जो हम कभी नहीं करते, मगर यहाँ करेंगे पैसे देके।
आशु जरा इधर नजर दिखा के भी चलाओ. हेलो हेलो. चल आगे नो एंट्री है. ओ भाई आराम से. कोई चिंता करो ना. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So guys, आज आशु जा रहा है अपने कॉलेज और अभी एक बहुत अच्छा काम किया था उसने जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई. खैर कि वो अपना फ़ोन घर बुलाया था फिर हम ऐसे हवा हवाई बन के घर वापस गए फ़ोन लेके आए क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन के लिए लेट हो रहे थे. अभी पता नहीं मेरी हंसी कैसी लग रही क्योंकि मुझे आ रही है. यहीं से घूमे थे. हाँ यहीं से गए. यही वाले चौराहे से घूमे थे. तो बस बेसिक बात यह है कि मुझे स्टार्ट इसलिए करने का याद आया क्योंकि हम हावड़ा जा रहे हैं और हावड़ा ब्रिज दिखेगा तो मुझे बस हावड़ा ब्रिज दिखाना था. बाकी ये टी शर्ट जो है ये 3 बार आ चुकी है व्लॉग में इसी में तो सबको लगता होगा मैं ये टी शर्ट कितनी पहनती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है तो मैं पहन लेती हूँ. तो बस ठीक है मिलते हैं. क्या मछली बनाने का कारखाना है ना. क्यों भैया इधर देखो ना भैया. मेरे पास नहीं है. अच्छा अच्छा मछली बन सकती है. शुरुआत भी लगी थी मछली का गोदाम ना बना. मछली बना सकते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. नहीं नानू ने कही थी. अरे मुझे लगा मतलब मछली का स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज बोलना चाह रहा था मैं. अच्छा अच्छा कोल्ड स्टोरेज. चलिए चलिए ओके. तब ये धूम धूम तंदूर वेयर हाउस हो रहा था. स्टेशन आई होप मैं जब जाऊं घर तब मैं इधर ही आऊं. शियालदा गए तो अच्छी बात है शियालदा से एक नया स्टेशन भी दिख जाएगा. मगर हावड़ा तो देख ही लिया. बाकी आशु को बोल दूंगी थोड़ी अंदर का भी बना लेगा तो अंदर का भी दिखा दूंगी. बात ही खत्म. अगर नहीं आए तो नहीं आए आ गए तो आ गए. देखी जाएगी जो भी होगी. ठीक. अरे कहना क्या चाहते हो. देखा होगा लिखा हुआ है कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक हावड़ा. तो वो आज मैं थोड़ा ओवर फनी हो रही हूँ. और ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेन भी खड़ी हुई है जो कहीं जाती नहीं है. अभी थोड़ा दिखाती हूँ बड़े पापा. थोड़ा गाड़ी साइड ले लें. ट्रेन का बॉर्डर. ये देखिए इंजन और ये कहीं नहीं जाता. और 12:26 हो चुके हैं टाइम के हिसाब से. 22:26 बड़े थोड़ा स्लो करना थोड़ा सा. हाँ बड़ा मिलन समारो बाय आशु. इधर 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 बाय बाय. Bye, Ashu. Bye. Much later. So guys, this is another day at house. तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन आज मेरे प्यारे भैया मेरे लिए बना रहे हैं चिली सोया. सोया चिली चिली सोया जो भी आप कहो. ये सोया तैयार है भैया. अपना कुछ सॉस वॉस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं भैया. सॉस है बस. सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नहीं कोई सीक्रेट. और मैं भैया की थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ चप 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 चॉपिंग में. बाकी रेसिपी पूरी भैया की है. थैंक यू भैया. थैंक यू भैया. कुकिंग भैया कुकिंग. भैया उसे डाल तो नहीं आएगा. भैया पूरा डालो ना भैया. इतना क्यों डर रहे हो. 2 गज दूर तो खड़े हो.
गाइस ये हमारे सोया चिली बन चुके हैं भाई यार भैया। चलिए खा के देखते हैं हम कैसे बने हैं ये। ओके गाइस दैट वाज इट, मैं आपको अगले व्लॉग में मिलूंगी। आई गेस मैं कुछ पार्ट मिला के ये व्लॉग में डाल दूंगी और अब आपको अगले व्लॉग में मिलूंगी विद कोलकाता डायरीज। सो लेट्स गो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। I'm not afraid to die.